वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों को पीलिया हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उल्टा सीधा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को इलाज कराने के बाद भी पीलिया में किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। तो भाइयों, अगर आपको पीलिया हो गया है तो आप सभी प्रकार की तली भुनी खाने की चीज़ों को, डिब्बाबंद और पैकेटबंद खाने की चीज़ों को और बाहर की चीज़ों को, जैसे चाउमीन टिक्की पड़ाके, इनको पूरी तरह से बंद करें। लाल मांस को ना खाएं, अंडा को ना खाएं और चिकन को ना खाएं। शराब, दारू, अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करें। चाय और कॉफ़ी का प्रयोग ना करें। मसालेदार भोजन का प्रयोग ना करें। चीनी और चीनी से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उनको पूरी तरह से बंद करें। भाइयों, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें और प्रतिदिन केवल 5 ग्राम तक ही नमक खाएं। ज़्यादा नमक आप ना खाएं। रिफाइंड, डालडा, देसी घी, मक्खन का प्रयोग ना करें। खाने में केवल जैतून के तेल का या सरसों के तेल का ही प्रयोग करें। इसको भी बहुत ही कम मात्रा में खाएं। मैदा और मैदा से जितनी भी खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं उनको पूरी तरह से बंद करें। पापे, ब्रेड, बंद बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री, फैन, केक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो भाइयों, अगर आप खाने पीने का परहेज करेंगे और बीमारी का पता करके सही डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो भाइयों, आपका पीलिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।